58,000 का है, 1,73,000 का बिल है। तो गाइस वेलकम टू द न्यू प्रैंक। वैसे लास्ट प्रैंक अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लेना, क्योंकि उसके कंटिन्यू में ये प्रैंक है और लिंक तो मैं प्रैंक डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा। लेकिन अभी मैं करने वाला हूँ अंकिता, नया प्रैंक बैक टू बैक है, ये तो बहुत ही गजब रहने वाला है। अभी हम जा रहे हैं सेफोरा में। सेफोरा में क्यों जा रहे हैं? गिफ्ट कार्ड लेने के लिए। और वो क्यों लेने जा रहे हैं वही मैं बता दूँ, क्योंकि लास्ट वाले प्रैंक में अंकिता को ज़्यादा ही मतलब एक्सट्रीम लेवल का गुस्सा हो गई थी, जबकि मुझे पता भी नहीं था ये प्रैंक एक्सट्रीम है या नहीं। तो आप वो वीडियो देख के मुझे यहाँ पे भी कमेंट करना कि आपको वो एक्सट्रीम लग रहा है कि नॉर्मल लग रहा है, क्योंकि वो गुस्सा हो गई है, वो रो रही है, वो मॉल में कहीं पर घूम रही है। तो मैं उसके लिए लेने वाला हूँ एक गिफ्ट कार्ड, उसको मनाने के लिए। तो टेक्निकली उसके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ रहने वाला है, जो एंड में प्रैंक में कन्वर्ट होगा। वो कैसे होगा उसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। फिलहाल जाते हैं, प्लानिंग करते हैं, फिर अंकिता को थोड़ा सा मना के बुलाते हैं एंड देन आगे का वीडियो देख लो। और सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर कमेंट कर देना, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना। और लास्ट वाला प्रैंक नहीं देखना तो वापस बोल रहा हूँ, जाके देख लेना कंटिन्यू में। सेफोरा पहुँच गए। कहाँ गई बंदी? कहाँ गई? हेलो कहाँ है? किधर? ये देखो ये भाग क्यों रही, तो भाग क्यों रही है? हाय देख, मेरे को हेल्प चाहिए, मैंने को बोला था। अभी ऑलरेडी वो मेरे से बहुत गुस्से में, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक प्रैंक करके आया हूँ उस पर, तो मुझे बैक टू बैक दूसरा प्रैंक करना है जिसमें मुझे तेरी हेल्प चाहिए। मुझे चाहिए गिफ्ट कार्ड। चलो। वो बापरे की तरह सब लाइन में खड़े वो ऐसा है, मुझे एक बात बता, वो बॉर्डर पे कोई आर्मी खड़ी है, वैसे लाइन में क्यों खड़े रहते बाहर? ऐसा रहता है सब धमकी देंगे, ये इधर आके ले चल थोड़ा करी हो गया ना, इसको तो हम अभी 5-10 मिनट 15 मिनट में एक्सपायर कर देंगे। तो ये हमारा गिफ्ट कार्ड हो चुका है रेडी। वो भाई गिफ्ट कार्ड के लिए पूरी बैग। सेफोरा इज रिच, ऑब्वियसली रिच हो गया ना, इतनी सारी लड़कियों को खूबसूरत बनाने के लिए ठेका ले रखा है महंगे में, वो भी ना, बनता है। मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में, और बाफना मत। नहीं बाफूंगी। नहीं, तूने जो बोला ना, दया मत करना मेहरबानी करके। दिल पे पत्थर रखे। हाँ दिल पे पत्थर रखे, वो देख उसको तेरे से भी बुरा लगेगा, वो तेरे से बात नहीं करेगी, पर वो मैं मना लूंगा, मैं वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, मैं आता हूँ थोड़ी देर में उसको लेके। हाँ वही, मैं वही सोच रहा था, मिलता हूँ मैं। ठीक है, तो मैंने अंकिता के लिए आइसक्रीम ले ली है, पर अंकिता नीचे है और अंकिता को मैंने फ़ोन किया, मैंने बोला आता हूँ नीचे, उसने बोला नहीं मैं आ रही हूँ ऊपर, और उसका काम कर दो, आ गई, रुक जाओ। सॉरी वो प्रैंक के लिए, सॉरी। तो हंसी तो सही अभी, अब क्या बोल रही है, सुना नहीं दे रहा है। अबे स्टारबक्स का लेता फिर तू रिजेक्ट कर देती तो महंगा पर रिजेक्शन हो जाता है ये। चल मेरे पास तेरे लिए एक बहुत अच्छी चीज है, प्रूफ के साथ देना। अब ये भी किनारा किधर टाइम पास कर रहा है, ले 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 ओए ये इधर 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 देख, अंदर देख क्या है। गिफ्ट कार्ड। अरे बाबू मैं इसमें देखो लिमिट नहीं बताऊंगा कुछ, क्यों? तू चाहे उतनी चीजें ले सकती है, ठीक है। और ये गारंटी है, तू सारी काम की चीज ले लेगी ना, फिर भी तू नेक्स्ट टाइम इसको यूज कर सकती है। अब बोल खुश है? ओए मेरे पे आइसक्रीम लगा जाएगा। और मैं ये बोल रहा हूँ चले सेफोरा शॉपिंग करने, अभी आ जाना है कि बाद में? आज करेगी शॉपिंग या कभी भी करेगी नेक्स्ट टाइम? बहुत शॉपिंग करेगी, ठीक है। तो खरीद पाओगे ना तू? मैं क्या बोला, बिंदास यूज कर तू कार्ड, तो बिंदास, कोई लिमिट नहीं है तेरे लिए, तू नेक्स्ट टाइम भी यूज कर पाएगी, टेंशन मत ले, ठीक है। क्योंकि पहली बार में यूज होगा ही नहीं है। तो कितना लूट करवाया तूने, वो नहीं बता सकता ना, वो सीक्रेट सरप्राइज है, वो अपने को पता चलेगा तेरी शॉपिंग के बाद, ठीक है। होपफुली वो बता देगा, नहीं तो बैलेंस वैलेंस नहीं आता ना बिल में लास्ट में, पता नहीं वो सेफोरा कोई गिफ्ट कार्ड में लास्ट में बताता कि इतना बैलेंस बचा आपके। हाँ बताते ही होंगे ना, तो शायद तो चलेगा, बाकी नहीं चलेगा पता। आइसक्रीम खा ले फिर चलते शॉपिंग करने। पहुँच गए हम लोग सेफोरा, देखो ये ना। अरे पर तूने मेरे को टाइम दिया तो मैंने सोचा तो मनाने के लिए क्या करूँ, मैं एक आइसक्रीम, पर मुझे पता होता कि तो एक आइसक्रीम में ही मान जाएगी, तो मैं इतना लंबा खर्चा ही नहीं करता है। तो तुमने वहाँ पे मेरी इंसल्ट क्या, इतनी पेनल्टी भी कम है। हाँ तो चल आ जा, ये देखो। हेलो कैसे हो? मैं एकदम मस्त, ऑलवेज चकास। ब्लैंक है अभी भी। नहीं भैया, मैं तुझे सबसे महंगी चीज़ों जो मुझे खरीदने तो वो कौन सी है? याद करो, टाइम दो ना। नहीं नहीं टाइम नहीं है, मैं वीडियो कर रहा हूँ, फिर होटल लंबा हो जाएगा, फिर मेरे को एडिटिंग में प्रॉब्लम पड़ता है। क्या क्या बोली? ब्लश और हाइलाइटर। ब्लश और हाईलाइटर लिया मैंने। यार सच बोलूं, सुनने में कितनी छोटी चीजें लगती है, फिर जब बिल बनता है ना तब लगता है कि भाई लड़कियाँ कितनी महंगी है। हैप्पी शेड है। हाँ, हैप्पी शेड। हाँ, शेड का नाम है हैप्पी। ओके। अभी काफी चीजें। ये शेड में हैप्पीनेस क्या है? ये चिक पे लगाने का ये वाला नहीं, थोड़ा यही सही है। भाई अंकिता, ये सही है। इसकी प्राइस क्या है? 2900। 3000 की हैप्पीनेस सिर्फ तुमको मिलेगी, बाकी सामने वाला दुखी। क्यों? क्या तुम खुश नहीं होगे? नहीं। अरे वो सब देख, सब लड़कों का ऐसा होता है कि जब खुद की मर्जी से कुछ दिलाते हैं ना तो वो खुश होते हैं कि सामने वाली खुश हो तो लोड कम देगी। 3000 का ये कलर कलर हैप्पीनेस, होली का कलर, होली की हैप्पीनेस। तुम लोगों के ये हाथ में कितना मेकअप दिन में जाता होगा? बहुत ज्यादा। गाइस पहले ये ना सारा शॉपिंग कर लेती है। क्या तो जो जो लेगा इसमें आपको पूरा है ना एक साथ दिखाता हूँ कि क्या लिया है इसने, क्योंकि जिस तरह से अंकिता शॉपिंग कर रही है ना, अगर मैंने हर चीज आपको दिखाई ना, हर चीज ऐसे एक एक करके बताई तो पता नहीं कहाँ पे फुटेज चले जाएगा। सुन गिफ्ट कार्ड है, पैसा तो है, पैसा जाता है उसमें, पता है। बट तूने बोला ना कि हमने जो हाइलाइटर लिया है उसका प्राइस है 3200। 3200? मतलब कुछ दांत निकल जाएंगे इस चक्कर में। पर वो बास्केट तो पैक भी नहीं हुआ, ट्राई चेंज कर रहे हो। अरे इसका कपड़े निकल गए भाई, इतनी चीजें ले भी ली। ये एक एक चीज कम से कम 3-4 हजार की इतनी सारी उठा भी ली। अंकिता सुन, पहले मेरी बात सुन, मैंने तेरे को बोला है तू चाहे वो ले सकती, इसका मतलब ये नहीं कि जल्दबाजी में लेना है। सांस ले ले। पर वैसे नहीं, मैं इसको बोल रहा हूँ इतना पैनिक करके फटाफट, मैं बोला सांस तो ले ले आराम से। तो एक काम करो, तुम दोनों लड़के साथ में हो ना, तो मैं बाकी लड़कियों से बात करने जा रहा हूँ। भाई ये कितने का है? ये 58,000 का है। ये क्या है ऐसा? तो नहीं, क्यों दिखाना है, रहने दो। 58,000 की चीजें अंदर ही अच्छी लगती है, बाहर नहीं अच्छी लगती हो। अच्छा ये तो वो है लेजर मास्क है, पता है ये ब्रांडेड है इसलिए। बाकी मैंने ये चीजें देखी हुई 1200 में अमेजोन। तो नहीं, ये तो नहीं ना, तू सीसी ले रही है। ये ज्यादा गुस्सा होने वाली है। सामान की प्राइस देखना। ओके, मैं क्या बोल रहा हूँ मोहिनी भाई, मैं जा रहा है, मिलते हैं, ठीक है। हाँ तो इसलिए मैं जा रहा है। मैं सुन रहा हूँ ये 27,000। अरे मेरा तो इसी में अटक आ गया, ये फेस का मास्क 58,000 का। ये क्या हॉलीवुड पिक्चर में पहनना है क्या? 18,000 का है। ये क्या है इसमें ऐसा? और ये शैम्पू कंडीशनर, और ये 10,000 का। तीन ये सब 10,000 का है। ये शैम्पू एक से तुम मुझे बता के डरा रहे हो कि हिसाब बता रहे हो? उनका फर्ज है ना, फर्ज तेरे को बताना है। मैं मेरे पास अब भी खरीदा था। मैं बोलता बाहर लेते तो कार है ना, बहुत मिलते हैं। मैं मिलता हूँ देखो। जय माता दी। तू ब्लॉक कर लेना, मैं जा रहा हूँ, मेरे से नहीं देखा जाएगा। ये प्रैंक में मेरा कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। क्या वो प्राइस नहीं जाननी है मेरे को? हाँ कोई बात नहीं, स्वाइप करा जाता। अरे कैसे, रुक जा। चलो हमने थंबनेल हमने शूट कर लिया। 3-4 साल का स्टॉक आ गया है। 2-3 साल का स्टॉक आ गया है ना? हाँ। नहीं आया नहीं है अभी, तो यहीं पे है। आएगा बस 4-5 मिनट्स में। मेरे को अटैक आएगा, सच में आ जाएगा। मेरे को सच में अटैक आएगा। वो बोल, एक सेकंड, मैं बोल रहा हूँ करने को तो मैंने प्रैंक कर लिया, अब फट रही है। वही ऊपर से इतने लोग हैं और उन्होंने इस तरह से इतना स्टाइलमेंट में सब रखवाया ना कि मुझे भी बुरा लगा। देख ज़्यादा बुरा मत लगाना, वरना तेरे को खरीदवाना पड़ेगा उसको। फिर मुझे बुरा लगेगा, फिर तुझे बहुत बुरा लगेगा। ओहो तेरी, अब मेरे को डर लग रहा है। अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ, सुन एक काम कर, इधर सुन, वापिस आना। मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे उसको कुछ ज़्यादा बुरा लग जाएगा, फिर बहाने से इसको कैंसिल करवा दूँ। भैया वहाँ से बोलता हूँ बाद में मैं आगे कलेक्ट कर लूँगा ऐसा कुछ। ये मैंने सिलेक्ट करवा दिया, अभी मैं साथ में करवा देता हूँ, मैं बाद में आके ले लूँगा, अभी अपने को जरूरी काम है, अपने को निकलना पड़ेगा ऐसा बोलते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि यार बहुत ज़्यादा पब्लिक में ज़्यादा बुरा लग जाएगा उसको। चलो कुछ तो तेरी तो मैं आंखें नहीं मिला पाऊंगी। सीधा सीधा बोल, तेरी भी पड़ रही है बहुत। हमारे पास तेरे लिए एक और सरप्राइज है, मैंने और मोहिनी ने प्लान किया है। सुन ये इसका पूरा बिलिंग हो जाएगा, अभी कलेक्ट मत करना, अभी बिलिंग मत करवाना, क्योंकि इसमें दो चीज़ें और ऐड करनी है जो स्टॉक में आने वाली है, ठीक है? वो सरप्राइज है, वो बाद में अलग से अपने वीडियो बनाएंगे। फिलहाल ये तूने सारे ले लिया है ना, उसका अमाउंट वाउंट तेरे को जानने की जरूरत नहीं है, वो मैं मेरे हिसाब से मैनेज कर देगा, ठीक है? इसको यहीं पे रहने दे, इसको खरीद मत। और जो दो चीज़ अपन ने सरप्राइज बात की वो मत बताना, वो मैं बता दूंगा बाद में। वो मैं आपका बास्केट रेडी रखूंगी। ये चीज़ें तो मिलेंगी पर आज नहीं कल मिलेंगी, ठीक है? एक दिन और अच्छी चीज़ कर रहा हूँ तेरे लिए, ठीक है? नहीं नहीं वो तेरे पे भरोसा है, वही नहीं इन दरों पे तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं। मोहिनी पे है ना देखो भरोसा, मोहिनी पे भरोसा है ना? कितना? 1,69,500 है। कौन सा घर बेचूँ? अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ, मोहिनी इसलिए ये कुछ बोल रही है कि मुझे मोहिनी पे पूरा भरोसा है। हाँ, तेरे जैसे पे नहीं होगा कभी भी, ये लोग बहुत ही ज़्यादा। इन पे भरोसा है, सब पे, इन पे भी है, सब पे भरोसा है। और इन्होंने तो मुझे हर बार इतना अच्छा अच्छा वाला कॉम्प्लीमेंट दिया ना, इसके लिए तो इन्होंने लास्ट टाइम दोनों ने मिलकर। तो ये देख खराब गंदे गंदे मुंह बना रही है। नहीं गंदे मुंह बनाएगा, अच्छा ही नहीं। एनीवेज थोड़ा सा प्लान में चेंज है, हम लोग चीजें लेंगे। हाँ कार्ड इसको एड ऑन करने के बाद ना 1,73,000 का बिल 73 हो गया, बढ़ता ही जा रहा है क्या? नंबर उम्र ना हो मेरा कुछ नहीं आएगा। नहीं नहीं 173। अरे अभी चीज़ें लेने कल आएंगे, ठीक है? कल लेने आएंगे। अरे है सारा, नहीं वो मत दिखाना, सरप्राइज सरप्राइज गिफ्ट का है वो मत दिखाना बस, ठीक है? कल आके ले लें, देखो आज लेना ज़रूरी है बस, तो कल आके और मस्त हॉल बनाना। तो गाइस हम लोग पहले यहाँ से निकलते, फिर आगे हम लोग में कंटिन्यू करता हूँ। मोहिनी थैंक यू सो मच, एंड आप सबको थैंक यू, थैंक यू। लेना ही है देखो आज कि कल चलेगा, देखो और एक्स्ट्रा चीज़ें मिलेंगी कल। नहीं अपने को एक्स्ट्रा चाहिए, देखो पता नहीं। एक सेकंड, मोहिनी पर भरोसा है? मोहिनी इसको आज लेना चाहिए कि कल लेना पिकाने आना चाहिए? क्योंकि आपकी काफी अब भरोसा है, मेरे पे नहीं है भरोसा, ठीक है? तो अपने कल आएंगे लेने के लिए। अभी यहाँ से चलते हैं, सेफोरा से निकल चुके हैं हम लोग, अभी जाने क्यों? पर तेरे फायदे के लिए बोला ना। अच्छा ठीक है, क्यों मैंने नहीं बिलिंग करा मैं गाड़ी पे जाकर बताता हूँ, ठीक है? गाइस नहीं मैं गाड़ी में जाके बताऊँ, मैं गाड़ी में जाके बताता हूँ। मैंने वहाँ पे ना मेरी हिम्मत नहीं हुई रिवील करने की, पर गाड़ी में जाके मैं रिवील करूँगा, तो रिएक्शन तो तगड़े वाले आने वाले हैं। पर वेट करना, अभी यहाँ हम लोग है ना अंकिता को कुछ बहाना करके दूसरी शॉप पे आए, और बाकी आगे का फुटेज आपको देखने मिलेगा सीधा गाड़ी के डैश कैम से। ओके हम लोग गाड़ी में आके बैठ चुके हैं, अंकिता आ रही है पीछे से। रिवील कसम से बोलूँ मन नहीं कर रहा रिवील करने का, क्योंकि डर लग रहा है। तो प्रैंक रिवील करूँ नहीं करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। इसको डिक्की में क्या रखना है? एप्पल से जाके वापिस, एप्पल तो नहीं लिया वापिस। एक चीज बतानी थी वो देख, सॉरी तो बोल चुका और मैंने देखो माफ भी कर दिया। नहीं उसके लिए नहीं, मैंने एक चीज की पर नहीं भी की, पर फिर भी की। तो हाँ खर्चा करता है तो नहीं, एक चीज कन्फेस करनी थी, पर पहले प्रॉमिस कर तू गुस्सा भी नहीं होगी और बुरा नहीं लगाएगी। अरे नहीं लाइन मार के आया हूँ यार, पहले प्रॉमिस कर। उतार तो कोई बीच में क्यों? अरे गाड़ी पुलिस वालों की, क्या करूँ उनपे चढ़ा दूं? जल्दी मेरे को प्रॉमिस करके तू बुरा भी नहीं लगाएगी और गुस्सा नहीं होगी, कि बहुत हिम्मत करके जैसे मैं कन्फेस करने वाला हूँ सच। वो सिचुएशन ऐसी हो तो वो भी देख, मैं चाहता तो और ज्यादा कुछ कर सकता था पर मैंने नहीं किया, ओके फाइन ठीक है, मैं गुस्सा नहीं होगी बस। और गुस्सा भी नहीं होगी, बुरा नहीं लगाएगी, रोएगी नहीं, गुस्सा नहीं होगी, बुरा नहीं लगा होगी, मैं बस रोएगी भी नहीं। हाँ बेटा करूँगी नहीं रोएगी। और तो मेरे वो इमोशन मैं कंट्रोल कर सकती हूँ प्लीज, ठीक है नहीं रोएगी। मैं सही टाइम पे रुक गया इसलिए। क्या गंदा लग रहा है ना सुनने में, क्या सही टाइम पे रुक गया, बहुत ही ज्यादा गंदा लग रहा था ये। वो सेफोरा का जो शॉपिंग है ना, हाँ वो अपने नहीं ले सकते हैं, मुझे पता चले मास्क नहीं लेगा ना। मैंने देख वो मास्क नहीं, अरे मत बोल इतना, सुनना मेरे को बुरा लग रहा है। क्योंकि 1 लाख के अंदर खरीदना है। नहीं 50,000 के अंदर। नहीं 25,000। नहीं 10,000। नहीं यार तू इतना तो नहीं कर सकता मेरे साथ, 10,000 तो एटलीस्ट चाहिए। मैं खुद 25,000 प्रॉमिस कर सकता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ 10,000 का तेरे को गिफ्ट कार्ड मिल जाएगा, मैं दूंगा प्रॉमिस, ठीक है डन ना। तो जो मेरे पास हाँ या ना, हाँ या ना, एक सेकंड मेरी बात सुनना, 1 सेकेंड। 10,000 का गिफ्ट कार्ड है तो ये गिफ्ट कार्ड में कितना है? और तूने मुझे क्यों बोला था कि तू इतना शॉपिंग कर सकती है, कि तू इतना ज्यादा शॉपिंग करेगी तो तू दिल खोल के करेगी फिर भी तेरे में बचेगा। और मैं तेरे को बोला भी था, तो बोला भी था कि कितना हो सकता है, तो अरे बहुत सारा है, बहुत सारा है। इसके अंदर 500 रुपए है। क्या 500 का गिफ्ट कर लिया था मैंने, पर 10,000 का भी है वहाँ पे, मुझे पता नहीं था 10,000 का चल जाएगा, तो मैंने आज रहने दिया। मैं डर गया, मुझे लगा यार तू 2-4 चीजें लेगी। और मैं तूने मुझे क्या बोला था हिरन, तूने मुझे साफ लफ्जों में बोला था, तूने मुझे साफ लफ्जों में बोला था कि अंकिता ने को जितना शॉपिंग करना है उतना कर, और मैंने जाके पागल हो गई जैसे शॉपिंग करा। अब वो लोगों के सामने कैसा होगा? अरे नहीं उनको नहीं पता। क्या नहीं पता? उनको मैंने ये बोला था कि शॉपिंग करने देना उसको, उसको बाद में पता चल जाएगा कि 500 का गिफ्ट कार्ड ही है, उसके बाद मैं पे कर दूंगा ऊपर का सारा। पर मुझे नहीं पता था 1,73,000 बिल हो जाएगा, मेरे 5,000 हो जाएगा, मैं दिला दूंगा तेरे को। मतलब जितने भी लोग थे सबको पता था कि मेरे पास 500 रुपए है? नहीं उनको नहीं पता था। तो गिफ्ट कार्ड कहाँ से? अरे गिफ्ट कार्ड अलग से बनवाया, स्टाफ वालों को भी नहीं बताया था कि इसमें गिफ्ट कार्ड में कितने रुपए डलवा रहा हूँ। तो जिससे डालोगा उसको तो पता होगा। वो नहीं जानता अपने को, बिलिंग काउंटर पे नहीं जानता वो बंदा अपने को। बस बाद में मैंने साइड में ले जाके मोहिनी को बता दिया कैसा है। सॉरी देखो तो प्रॉमिस किया था नहीं रोएगी, उससे नहीं हो गया। 10,000 का मैं दिला रहा हूँ ना, रो क्यों रही है? मैं मजाक कर रहा था यार। बार बार होता है। आज तूने मेरे साथ एप्पल स्टोर पे भी किया, 50 की जगह 15 एप्पल लेकर के आ गया मेरे लिए। वहाँ भी मुझे बाथरूम में जाकर मैं फूट फूट के रोई हूँ, अपने आपको जैसे नॉर्मल किया। मैं नीचे आके खाली खाली ऐसे ही घूमती रह गई कि ठीक है चल मैं अपने माइंड करूँ। ऊपर आया और मेरे को ये चीज का लालच नहीं था, मैं सिर्फ तेरे को देख के मालूम है मेरे को। आइसक्रीम में भी मान गई थी, तेरे को पता है। मैं सच कन्फेस करूँ, मेरे को बोलने दे एक बार। मुझे ऐसा बोला कि इसमें इतना चीज है कि ले लो, और मैं तो मुझे बोलता कि 10,000 है तो 10,000 के अंदर लेती। तूने मुझे बोला कि जितना है उतना ले सकते हैं, कुछ आता ही नहीं ना। और कैसा लगता है 500 का सेफोरा का गिफ्ट कार्ड दे रहा हूँ मैं? ये फनी था। मैं एक्चुअली तो हाँ, मैं कितनी बड़ी डब बनी, लालचू इंसान बनी। के अरे लालचू इंसान नहीं, सब लोग सेफोरा का गिफ्ट कार्ड अरे सब चीजें ले रही हो ना हर जगह भाई। अरे वहाँ पे सब दोस्त है, यहाँ पे भी और वहाँ पे, इसलिए मैंने प्रैंक किया। मैं इतने टाइम से प्रैंक नहीं किया, वो तो तूने कुछ नहीं बोली तब तो कुछ नहीं किया था। छोटे मोटे मजाक से मैंने कुछ शूट किया, प्रैंक कहीं डाला मैंने। इतने टाइम से ये शूट किया था ना, तो वो तो व्लॉग नहीं कर रहा था ना, ऐसा व्लॉग था कि मेरी गर्लफ्रेंड को सरप्राइज करना। वो तूने ऐसे ही झूठ बोला कि मैं व्लॉग चैनल के लिए बना रहा हूँ व्लॉग, तो मेरे गलती क्या स्वीकार कर रही हो, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। हाँ। और मैं थंबनेल भी तूने मुझे झूठ बोल के ले आया। हाँ। सॉरी ना, अब तो रो क्यों रही है इतना? अगर तुमने प्रॉमिस किया था तो मेरी प्रॉमिस पे अपने इमोशन का झूठा झूठा कार करके, ठीक है तेरे लिए हर एक चीज मजाक होती रहती है। सीरियसली सॉरी, मैं बोला 10,000 का मैं गिफ्ट कार्ड दिला दूँ। नहीं चाहिए मुझे ना। अरे यार तेरे वैसे कोई भी मेकअप की चीज चाहिए। निकुंज तो ऐसे शाना बन के बैठा है ना जैसे है ही नहीं गाड़ी में। तो मुझे बात ही नहीं करी, हर एक चीज का तेरे को हर एक चीज की पता नहीं, फिर भी तूने ऐसा करा। कितना कमीना है, बोला इससे मुझे मना किया था, कब किया था? अच्छा वो वाला फोन में बता कौन शूट कर रहा था वीडियो? ये शूट कर रहा था। तेरे को तो इतना भी नहीं था कि मैं उससे मेरे आसपास रहे, तू तो कहीं और ही बातें कर रहा था। हाँ तो मैंने बोला इसको बिंदास शूट कर। पता मैं क्यों नहीं आया था? क्यों तू इतना खुश होकर एक्साइट हो रही थी निकुंज के ऊपर? मैंने बोला यार मेरी तो फट रही है। और अंकिता मैं चाहता था वहाँ पे भी रिवील कर सकता था और देखो सबके सामने ऐसे बुरा लग जाता है, इसलिए मैंने नहीं किया। आप क्यों लग रहा है बुरा? मेरे से दो बार हो गया, मुझे मजा नहीं चला, दोनों बार मैं खुश होके कर रही थी, जब मैं कितनी बेवकूफ लग रही होगी मैं अब भी सोच रही हूँ। अरे यार अंकिता नहीं लग रहा है ऐसा, दोस्त है सब और सब जानते कि आपने ऐसे प्रैंक करते कभी एक दूसरे पे। तू मेरे को भी तो ले गई थी वहाँ पे चप्पल बिना, सिफोरा में ले गई थी तब मैंने सोचा था। तो तूने भी मुझे मुछ पहना के पूरे बॉल में घुमाया था। तो अच्छी क्यूट लग रही थी ना तू, इसलिए। यार ये बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया, मैं इसको मना लगा, दो बार हो चुका है। और ये सारा प्लान निकुंज का था। नहीं था, मुझे बात ही नहीं करनी तुम दोनों से। गाइस मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाकी व्लॉग में, मतलब व्लॉग गाइस व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक प्लीज सब्सक्राइब, बेल आइकन, लाइक, शेयर, कमेंट, इंस्टाग्राम और ट्विटर को फॉलो कर लेना। लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा हो तो जाके देख लेना, मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट डाल दिया है। बाय गाइस, अब खत्म कर दिया ना। सॉरी वो सॉरी ना, हो गया। इतने टाइम से तो प्रैंक नहीं किया था, तब तो कितनी बार बॉम्बे में भी है ना 3-4 प्रैंक कर डाला मुझे। मेरा मुंह मत खुलवा निकुंज के सामने, ठीक है? चुप रहे।